एक्चुअली वसीम सर मेरे डायरेक्टर हैं वो मर्यादा के, उन्होंने उनके दिमाग में आइडिया आया दैट यू नो लेट्स मेक अ म्यूजिक वीडियो, लेट्स मेक अ सॉन्ग एंड गिव इट आउट टू पीपल, जो फादर डॉटर रिलेशनशिप को दर्शाता है और बेसिकली ये बताता है कि कैसे हमें अपनी डॉटर्स को रेज करना चाहिए ब्यूटिफुली. यू नो यू डोंट हैव टू लेट देम बी, उनको एक इतनी अच्छी ज़िंदगी दीजिए आप कि जब वो बड़े हो जाएँ तो कुछ भी बुरा उनको छू ना पाए, और अगर कभी भी गलती से यू नो छूए तो दे हैव द कैपेसिटी टू फाइट इट, टू लाफ ओवर इट एंड टू स्माइल एट इट एंड मूव ऑन विद लाइफ. मैं एक्चुअली इसके साथ इन्वॉल्व हूँ क्रिएटिवली. इसमें हम एक कैंपेन कर रहे हैं बहुत सारे एक्टर्स के साथ, जिसके लिए आज आप यहाँ आए हैं. बहुत सारे मेरे दोस्त आ रहे हैं, वसीम सर के बहुत सारे एक्टर्स आ रहे हैं. दे आर ऑल गोइंग टू बी होल्डिंग दीज प्लैकार्ड्स होंगे उनके हाथ में, जिसमें लिखा होगा #raise her एंड raise her loved, raise her beautiful, सो वेरियस एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करते हैं. सो वो मैंने लिखे हैं. सो और ये जो यहाँ पे ये टैग लाइन है ये भी मैंने लिखा है. सो इन अ वे मैं वसीम सर की असिस्टेंट बन चुकी हूँ इस म्यूज़िक वीडियो पे, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स अनलाइक बीइंग एन एक्टर, क्योंकि मैं सब एक्टर्स को भेज रही हूँ आप लोगों के पास इंटरव्यूज़ करने के लिए, और मैं यू नो आई एम डूइंग ऑल दैट, सो इट्स नाइस, इट्स गुड फन. इस पर बहुत बहस हुई थी, सर ने कहा नहीं ऐसे वाइल्ड थोड़ी, हु वॉन्ट्स टू रेज देयर डॉटर वाइल्ड. आई सेड नो आई विल, कोई और नहीं अगर करता आप यू नो यू विल प्रिंट इट एंड आई विल होल्ड इट. सो दैट्स वाई आई डिड इट, बिकॉज येस ऑफ कोर्स यू शुड रेज योर डॉटर्स वाइल्ड एंड यू नो यू शुड रेज देम हाउ एवर दे यू नो वॉन्ट टू बी रेज्ड, हाउ एवर दे वॉन्ट टू बी रेज्ड. अगर यू नो आपकी यू नो अ पर्सन, आपकी डॉटर बोहेमियन है और यू नो वो जिप्सी नेचर की है, तो यू शुड लेट हर बी. हम दुनिया में दुनिया इंजॉय करने आए हैं, और यू नो इन द प्रोसेस वी आर हियर टू डू अ लॉट ऑफ फन एंड ऑब्वियसली लर्न. सो आई थिंक आप जिस तरीके के इंसान हैं वो बाहर आना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ ट्रू गिफ्ट टू द वर्ल्ड, बिकॉज आपके जैसा और कोई नहीं है. सो आप जैसे हैं आप वैसे 100% रहिए. एक्चुअली मुझे लिखने का बहुत शौक है, मैं लिखती रहती हूँ. राकेश का जब पेंटिंग की हमने कॉफ़ी टेबल बुक बनाई थी उसमें भी मैंने बहुत कुछ लिखा था. सो आफ्टर दैट नाउ यू नो कुछ लोगों को मैं उनके प्रोजेक्ट्स में हेल्प करती रहती हूँ, तो वसीम सर ने, उनको पता है मुझे लिखने का बहुत शौक है और बहुत बड़ा कीड़ा है मेरे दिमाग में लिखने का, तो उन्होंने कहा चल तू मेरे साथ मेरी हेल्प कर. सो आई सेड यस ऑफ कोर्स. सो इट्स गुड फन इन अ वे, आई एम लाइक द क्रिएटिव प्रोड्यूसर. बहुत सारी चीज़ों पे मैंने सैंक्शन दिया है यहाँ पे. सो इट्स नाइस, इट्स फन एंड मुझे लिखने का शौक है. आई होपफुली विल राइट अ बुक समवेयर इन द फ्यूचर. बहुत अभी टाइम है, शायद 5 साल के बाद जब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं बटोर लूँगी, बट या इट्स समथिंग आई एंजॉय डूइंग. Different way to create impact on people's mind, a different way through music video. Yeah. So do you think there are some other ways that can be effective on people's mind? बहुत सारे तरीके हैं. आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका यही है कि आप अपनी डॉटर्स को पहली बात उनको आप अपने दिमाग में ये मत सोच लीजिए अरे ये तो लड़की है. द मिनट आपने ये सोच लिया बस आपने उसके लिए बहुत सारी रुकावटें खड़ी कर दी. सो तरीके बहुत सारे हैं, पर सबसे पहला तरीका है अपने दिमाग को खोलिए, अपने दिल को खोलिए एंड बी ओपन हार्टेड एंड ओपन माइंडेड टू रेज ए